अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, कुछ नई और अहम वैकेंसीज़ के साथ, अहम जानकारी के साथ हाजिर हूँ। दोस्तों, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी DDA ने कुछ बहुत अहम वैकेंसीज़, बहुत अहम बहाली का ऐलान किया है। ये पूरी तफसीलात मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। वेबसाइट लिंक ओपनिंग डेट यानी इस पर दरख्वास्त देने की शुरुआत जो होगी 3/6/2023 से 10 AM यानी 10 से सुबह से शुरुआत होगी और आखिरी तारीख जो होगी वो 2/7/2023 तक होगी। उसके बाद एग्ज़ामिनेशन का जो डेट है 1/8/2023 से लेकर के 30/9/2023 के बीच में होगी। दोस्तों, ये ऑनलाइन एप्लीकेशन लिया जाएगा और इसके लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। ये दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी दिल्ली के अंदर जितने भी डेवलपमेंट काम हैं, जितने भी ज़मीन से रिलेटेड काम हैं, उसी में बहाली होगी। अब हम पूरी तफसीलात बताते हैं। सीट की पूरी तफसीलात आप देख सकते हैं। असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर ये बी लेवल का है, 8 की तनख्वाह है, 51 हैं। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है, इसमें 125 हैं। आर्किटेक्चर असिस्टेंट है, इसमें 9 हैं। लीगल असिस्टेंट, ये पूरी सीटों की तादाद उनके सामने लिखी गई है। इसके साथ साथ जो इसमें देख सकते हैं, तहसीलदार, जूनियर इंजीनियर, सर्वेयर, पटवारी और जूनियर असिस्टेंट सेक्रेटेरिएट। अब बात करते हैं दोस्तों, मदरसतुल इस्लाह सराय मीर आज़मगढ़ में कुछ असातिज़ा की ज़रूरत है। ये शोबे अरबी में 2 असातिज़ा है। शोबे अरबी एक उस्ताद बराए अंग्रेज़ी है, शोबे अरबी एक उस्ताद बराए रियाजी साइंस है, शोबे हिफ्ज एक उस्ताद बराए हिफ्ज है, शोबे उर्दू एक उस्ताद बराए अंग्रेज़ी है, शोबे उर्दू एक उस्ताद बराए हिंदी। कुतुबखाना में एक लाइब्रेरियन की ज़रूरत है। सबके लियाकत और सबके सामने तनख्वाह भी मेंशन कर दी गई है। ये बहुत अहम बात है कि अब मदरसे भी इंग्लिश, साइंस, रियाजी और कंप्यूटर की तरफ तवज्जो देने लगे हैं। ये मदारिस इस्लामिया के लिए बहुत अहम बात है। इसमें नोट में बताया गया है कि दरख्वास्त माँ मोबाइल नंबर तमाम इसनाद की फ़ोटो कापी के साथ 5/6/2023 तक शाम तक मदरसे में मौसूल हो जानी चाहिए और इंटरव्यू के लिए मोबाइल के ज़रिए इत्तला दी जाएगी। ये मोबाइल नंबर भी दिया गया है। दोस्तों, BPSC शिक्षक भर्ती परीक्षा 19 अगस्त से शुरू होने वाले हैं। ये 20 से लेकर के 26/27 अगस्त को इसमें परीक्षा ली जाएगी। इसमें वही असातिज़ा या वही जो टीचर प्रशिक्षु है वही अप्लाई कर पाएंगे जो जिन्होंने CTET या BTET या STET एग्ज़ाम दिया है। इसमें तकरीबन 1,00,000 से ज़्यादा वैकेंसियां हैं। दोस्तों, इसको ज़रूर शेयर